वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम करुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब पहला तो सभी भक्ता ने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी रहा आपरे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज माते। फिर आज ही रहा आपरे बीच में एक नई ऐतिहासिक बात रहते, एक नवा फैक्ट रहते। तो बात करेंगे आज भगवान गणपति जी के बारे में। भगवान गणपति जो रिद्धि सिद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि के देवता है। भगवान गणपति जिनकी सभी देवों में अग्रिम पूजा होती है, सब देवताओं में भगवान गणपति को है जो सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, प्रथम पूजा है वो भगवान गणपति की करते हैं। गणेश चतुर्थी हम हर महीने लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं, लेकिन ये गणेश महोत्सव किस कारण से मनाया जाता है कि 10 दिन तक हम भगवान गणपति की पूजा आराधना करते हैं और भगवान गणपति की सेवा करते हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार में भगवान ऋषि वेदव्यास जी के मन में एक बार महाभारत लिखने का विचार आया। उन्होंने महाभारत की रचना तो काव्यखंड के रूप में अपने मस्तिष्क के अंदर तो कर ली थी, अपने मन में उसकी रचना कर सकती थी, लेकिन उसको लिपिबद्ध करना था। उसको लिखने के लिए उनको कोई सुयोग्य पात्र चाहिए था, कोई सुयोग्य आदमी आए जो ये लिख सके। उन्होंने सभी देवताओं को तलाशा, सभी देवताओं में उन्हें ऐसा एक भी देवता नज़र नहीं आया भाई जो ये सब लिख दे। अब महाभारत लिखने के लिए उन्हें किसी सुदृढ़ देवता की तलाश थी, कोई जो देवता ये सारा का सारा लिख दे। उन्होंने सभी देवताओं से जाके प्रार्थना की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई लगा नहीं भाई ये लिख देंगे देवता। तब उन्होंने जाकर भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, मुझे महाभारत लिखनी है, लेकिन महाभारत लिखने के लिए कोई लिखने लायक योग्य नजर नहीं आ रहा है, ना ही धरती पर ऐसा कोई मनुष्य है जो मेरी रचना की हुई महाभारत को सोच समझकर लिख सके इतने खंड को, और ना ही देवताओं में मुझे कोई ऐसा देव नजर आ रहा है जो इसको लिख सकता है या इसकी रचना कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषिवर आप जाकर भगवान गणपति जी को मनाइए, भगवान गणेश जी चाहे तो ये महाभारत लिख सकते हैं, क्योंकि सभी देवताओं में जो सबसे शांत और स्थिर स्वभाव के हैं वो गणपति जी है। वो हरेक परिस्थिति के अंदर सोच समझकर बड़ी सतर्क के साथ में निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं, कैसी भी परिस्थिति विकट आ जाए वो हमेशा शांत मन से शत्रुता के साथ में उसका सामना करते हैं। तब वेदव्यास जी जाते हैं भगवान गणपति जी के पास। अब जाके गणपति जी को आराधना करते हैं कि गणेश भगवान आपको महाभारत लिखनी है। अब गणपति जी थे बहुत ही संचल। अब गणपति जी ने मजाक में ऋषिवर को कह दिया कि ऋषिवर आप जब तक बोलोगे ना तब तक मैं लिखता रहूँगा, आप अगर बोलते बोलते रुके ना तो मैं महाभारत लिखना बंद कर दूंगा, मैं आज से कलम छोड़ दूंगा भाई। मुझे मतलब नहीं है कि आपकी महाभारत लिखा गया नहीं लिखा गया, कोई ग्रंथ अधूरा रह गया पूरा हुआ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपका मुँह रुकते ही मैं अपना हाथ रोक दूंगा। तब वेदव्यास जी बड़े अचंभे में पड़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक सरीका बोलना है और तब तक रुकना नहीं है, और बिना रुके तो किसी भी चीज़ को समझकर लिखा नहीं जा सकता। तब वेदव्यास जी ने कहा गणेश जी आपकी शर्त मैं मान्य रखता हूँ, लेकिन मेरी शर्त आपको एक माननी पड़ेगी। गणपति ने कहा क्या बताइए आप। तब वेदव्यास जी ने कहा था गणपति जी मैं जब तक महाभारत का जो काव्यखंड है वो बोलता रहूँगा तब तक आप लिखते रहना, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप ऐसा कोई शब्द नहीं लिखोगे जिसका अर्थ आपको पता नहीं हो, आपको जहाँ पे अर्थ समझ में नहीं आए वो रुककर आप पूछ कर वापस लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से बस लिखते ही जाओ जो बोल रहा हूँ, आपको हर चीज़ सोच समझ कर लिखनी है। वेदव्यास जी ने भी अपनी चतुराई का परिचय दे दिया। अब गणेश जी इस बात को राजी हो गए कि ठीक है मैं लिख दूंगा। अब गणेश जी के मन में था कि ऋषिवर महाभारत बोलेंगे, मैं लिखता रहूंगा, देखता हूँ कितने दिन बोलते हैं। और वेदव्यास जी जिन्हें तो खुद भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान श्री राम का ही एक अवतार वेदव्यास जी को माना जाता है। तब वेदव्यास जी ने कहा ठीक है। अब गणेश जी और वेदव्यास जी महाभारत की रचना करने के लिए बैठ गए, वेदव्यास जी द्वारा कथित और गणेश जी द्वारा रचित। अब गणेश जी उसकी रचना कर रहे हैं और वेदव्यास जी उनमें श्लोक उनको बता रहे हैं। अब जहाँ कहीं पे भी ऐसा है वेदव्यास जी को लग रहा था कि भाई मैं अब थकने वाला हूँ, क्योंकि गणपति तो लिखते जा रहे थे, वेदव्यास जी को लग रहा था कि मैं थक जाऊँगा, अब मैं आगे बोल नहीं सकता क्योंकि हर शब्द को सोचना पड़ता है, श्लोक की रचना करने में भी टाइम लगता है। तब वेदव्यास जी क्या करते थे, कोई ऐसा जटिल श्लोक बीच में डाल देते जिनको समझने में गणपति जी को थोड़ा टाइम लग जाता था। उसके लिए गणपति जी 10-15 मिनट ऐसे रुकते थे, सोच विचार कर लिखते थे, तब तक वेदव्यास जी अपना आराम कर लेते थे और बाद में फिर से रचना शुरू कर देते थे। ऐसा करते करते गणपति जी थक गए, क्योंकि वेदव्यास जी तो बोल के रुक जाते थे फिर भी आराम मिल जाता था, लेकिन गणपति जी को आराम मिला नहीं। अब गणपति जी लिखते लिखते उनके हाथ से कलम टूट गई, क्योंकि गणेश जी को ऐसा लगा था कि ऋषिवर कितनी देर तक बोलेंगे, ऋषिवर बोलेंगे तब तक मैं लिखता जाऊँगा। और जब कलम टूट गई तब गणपति को पता चला कि भाई ऋषिवर कोई कम माया नहीं है, मैंने इनको कम आकर गलती कर दी, ऋषिवर बहुत पहुंची हुई चीज़ है। तब गणेश जी ने अपना जो टूटा हुआ दांत है जो परशुराम जी ने तोड़ दिया उस दांत से लिखना आरंभ कर दिया। अब उस दांत से गणेश जी ने महाभारत की रचना आरंभ कर दी। महाभारत लिखते लिखते गणेश जी
थकने लगे, गणेश जी से भूखा रहा नहीं जाता। गणेश भगवान भूखे नहीं रह सकते थे, उनको भूख सहन होती नहीं थी। वेदव्यास जी और गणेश जी महाभारत की रचना करते रहे। 3 साल का कार्यकाल लगा था पूरा महाभारत की रचना होने में। अब जब वेदव्यास जी ने श्लोक प्रारंभ किया तब अपनी पलकें बंद कर ली थी। पलकें बंद करके वो ध्यान मगन होकर श्लोकों की रचना करते और वापस गणेश जी को सुना देते, गणपति लिखते जाते। ऐसा करते करते जब वेदव्यास जी ने पलक खोली तो देखा गणेश जी थक चुके हैं, उनकी मतलब सहन करने की क्षमता अब खत्म होने वाली थी। गणेश जी का शरीर पसीने से थरथराहट करने लगा था और शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई। तब वेदव्यास जी ने देखा भाई इनकी हालत बहुत ही खराब होने वाली है गणपति जी की, तो उन्होंने अपने शिष्यों को मतलब आज्ञा दी कि आप जाओ गणपति के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करो कि इनके शरीर का तापमान कुछ कम हो जाए। तब शिष्यों ने भगवान गणपति को चंदन आदि का लेप करके पूरा का पूरा लीप दिया। लीपने के बाद भी भगवान गणपति का शरीर का तापमान जो था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, उनके तेज बढ़ने लगे, ज्वाला शरीर में बहुत ही बढ़ने लग गई। तब शिष्य गए और पास में से सुगंधित मिट्टी उठाकर लाए और उनके ऊपर पूरी मिट्टी का लेप कर दिया। अब वो मिट्टी का लेप करते जाते, मिट्टी का लेप किया जैसे जैसे भगवान गणपति को थोड़ी शरीर में राहत महसूस हुई, थोड़ा शरीर ठंडा पड़ गया, उनको आराम महसूस हुआ। लेकिन महाभारत की रचना करते करते भगवान गणपति जी के शरीर का तेज फिर बढ़ने लगा। अब इधर से तेज बढ़ने लगा, इधर से बाहर की हवा और गर्मी के कारण जो भगवान गणपति के ऊपर मिट्टी लगी थी, मिट्टी का लेप किया हुआ था सुगंधित, वो मिट्टी है वो पूरी सूखने लग गई। अब वो मिट्टी सूख गई जिससे गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा, जड़ गणेश भी पड़ा, क्योंकि उनका शरीर पूरा पार्थिव हो गया था, केवल हाथ हिल रहे थे और एक आंखें खुली थी। महाभारत की रचना करते करते गणपति जी थक गए, उनके शरीर के ऊपर जो शिष्य है वो मिट्टी का लेप करते जा रहे थे, उनसे उनको थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा था। ऐसे करते करते पूरे महाभारत की रचना की गई। महाभारत महाकाव्य है वो पूरा का पूरा संपूर्ण हो गया। तब वेदव्यास जी ने भगवान गणपति जी की प्रार्थना स्तुति की गई, गणपति आप महान हो, तीनों लोकों में आपके सिवा ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जो इस महाभारत इस महाकाव्य की रचना कर सके। लेकिन गणपति जी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तब वेदव्यास जी ने देखा भाई गणपति जी तो पूरे एकदम मिट्टी की मूर्ति की जैसे अकड़ के जाम हो गए। तब वेदव्यास जी और उनके शिष्यों ने भगवान गणपति जी को उठाकर पास में सरस्वती और अलकनंदा नदी बहती थी उसके अंदर ले जाकर संगम के अंदर गणपति जी को बिठा दिया पानी के अंदर। पानी के अंदर थोड़ी देर रहने के बाद में वो मिट्टी गलना शुरू हो गई, मिट्टी ऊपर से गल गई। गणेश जी स्नान करके बाहर आए और सबसे पहले आकर उन्होंने बाहर अपनी पेट पूजा की, क्योंकि उन्होंने 3 साल से कुछ खाया नहीं था, 3 साल से भूखे बैठकर महाभारत की रचना ही कर रहे थे। सबसे पहले तो आकर दबाकर मोदक खाए, फुल मोदक खाने के बाद में अब जब उनके पेट की तृष्णा शांत हो गई, भूख मिट गई, तब गणेश जी ने वेदव्यास जी से कहा प्रभु आपने महाभारत काव्य की रचना कर दी है, आपका नाम तो युगो युग तक लिया जाएगा, कि भाई महाभारत की रचना किसने की? तब कहा भाई वेदव्यास जी ने की। अब वेदव्यास जी का नाम तो अमर हो गया लेकिन मैं इतने सालों से यहाँ मूर्ति की तरह जाम हो गया था, मेरी मान्यता क्या है? आप तो फिर भी आराम कर रहे थे, मैं तो एकदम मूर्ति की तरह जाम हो गया। तब गणेश जी ने कहा ऋषिवर मैंने आपको कम आंक लिया था, मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, मुझे लगा था कि आप बोलते बोलते थक जाओगे, तब मैं ये महाभारत काव्य लिखते लिखते छोड़ के वापस चला जाऊंगा, लेकिन आपने पूरे महाभारत काव्य की रचना कर दी लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत आराम किया लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिला है, अब मुझे क्या मान्यता मिलेगी आप ये कृपया करके बताओ। तब वेदव्यास जी ने कहा था गणपति जी चारों वेदों से बढ़कर महाभारत काव्य को उपमा दी गई है, महाभारत को चार ही वेदों से बढ़कर बताया गया है, मेरा तो खाली नाम रहेगा भाई वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी, आपने महाभारत काव्य की रचना की है, मैंने तो अपने मन से रचना की है लेकिन इसको लिपिबद्ध किया है आपने, लिखा इसको आपने है, लेकिन आपने बहुत ही कष्ट झेलकर इस महाभारत काव्य की रचना की है, 10 दिन तो आपने बहुत ही असहनीय पीड़ा का सामना किया है, इन 10 दिनों की पृथ्वी लोक के अंदर पूजा होगी। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणपति जी आपकी मृत्यु लोक के अंदर पूजा होगी, जिस प्रकार से मिट्टी के लेप से आपका स्थूल रूप हो गया था उसी प्रकार से पृथ्वी लोक के ऊपर आपके मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाएगी और इसी रूप की पूजा करने के बाद 10 दिन उपरांत पानी के अंदर इसका विसर्जन कर दिया जाएगा। इस बात से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। तभी से लेकर सिर्फ हमारे सत्य सनातन संस्कृति भारत देश में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, कोलंबिया, USA जैसे अनेकों राष्ट्रों में भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है, भगवान गणपति जी की सेवा आराधना की जाती है और भगवान गणपति जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान गणपति जी का कुछ वर्षों पूर्व का एक चमत्कार मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर 1995 को एक खबर आग की तरह फैल गई थी कि मंदिरों में जितने भगवान गणपति की मूर्तियां हैं वो सब दूध पी रही है। खाली भारत ही नहीं बल्कि USA, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान हर जगह ये खबर आग की तरह फैल गई, एक ही दिन में एक भगवान गणपति जी की जो मूर्ति है वो दूध पिए जा रही है। अंग्रेजी मैगजीन में भी इसके बारे में छपा हुआ है, आप विकिपीडिया पे जाकर सर्च करते हैं, गूगल, यूट्यूब वगैरह सब सर्च करके आप देख सकते हैं, उसमें ये घटना का जिक्र किया गया है कि भगवान गणपति जी की सभी मूर्तियां ने दूध पिया था और इस बात की साक्षी हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य जिन्होंने इस चीज को देखा है।
अब जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है वो कमेंट के अंदर आकर अपनी बात जरूर कहे ताकि सभी लोगों को इस बात का विश्वास हो। अब कुछ लोग इसे साइंटिफिक मिरिकल का हवाला देके कहेंगे कि ये एक साइंटिफिक मिरिकल था, ये ओनली बाकी कुछ नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा होता है वैसा होता है। मैं ये कहता हूँ मान लो वैज्ञानिक मिरिकल भी हो गया, चमत्कार एक तरह का वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाए तो हो गया, लेकिन 21 सितंबर के बाद में 22 सितंबर को ये मिरिकल फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो मानने वालों की बात है, नहीं मानने वालों के लिए तो भगवान स्वयं आके उतर जाएंगे धरती पे, फिर भी वो तो नहीं मानने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के अंदर गणपति बापा मोरिया लिखना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तब तक के लिए जय माता जी की सा।